सितंबर से बिहार के सभी नगर निकायों के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर बिहार लोकल बॉडीज कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा और बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ हड़ताल पर रहेगा। नगर निकायों में 10 सालों से काम कर रहे दैनिक मजदूरों की सेवा नियमित करने, समान काम का समान वेतन, न्यूनतम वेतन 18,000 करने, नगर निकाय के कर्मचारियों को 7वां वेतन मान देने की मांग की। संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष चंद्रप्रकाश सिंह ने बताया कि सरकार के अरियल रवैये के कारण मजदूरों की स्थिति बद से बदतर है, लेकिन इस बार लड़ाई आर पार की होगी। सरकार को हर हाल में हमारी मांगे माननी होगी। इस बार अनिश्चितकालीन हड़ताल जो बिहार के पूरे नगर निकायों में होने जा रहा है, अब तक आप लोगों को पटना नगर निगम के हड़ताल का अनुभव पटना में रहा है, लेकिन इस बार पटना नगर निगम के अतिरिक्त बिहार के पूरे नगर निकाय के लोग शामिल हैं, इसलिए कि बिहार लोकल बॉडीज इम्प्लॉइज फेडरेशन और बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के अलावा पटना नगर निगम कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति सब लोग एकजुट होकर लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई इसलिए इस बार अद्भुत होगी क्योंकि सरकार ने जो दलित क्लास के लोग हैं, दलितों, वंचितों और शेड्यूल अति पिछड़ा पिछड़ा सब लोगों का, जो अधिकांश लोग ग्रुप डी में उन्हीं की नियुक्ति होती है, वही काम करते हैं। नीतीश कुमार जी के सरकार ने फैसला किया है कि नगर निकाय में काम करने वाले ग्रुप डी के लोगों को वो सरकारी नौकरी नहीं देंगे। अब ये अद्भुत है कि राइट टू एम्प्लॉयमेंट हमारा है, संवैधानिक अधिकार है हमारा कि हम अगर सक्षम हैं तो नियोजन लेंगे। आप कहते हैं आप सक्षम हो, कुछ भी हो, काम भी करेंगे तो आपको निजी कंपनी के थ्रू आना होगा, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। इसलिए लड़ाई है और हम कहना चाहते हैं पॉलिटिकली समाज राजनीतिक रूप से सामाजिक रूप से जो आरक्षण की बात करते हैं ये नीतीश कुमार जी, तो ये तो छलावा है। आप ऐसे लोगों को वंचित कर रहे हैं नौकरी से, और ये पूरा जो 50,000 लोग काम करता है नगर निकाय में उनके रोजी रोटी पर हमला है। और इस बार हम लोगों ने तय किया है, अब देखिए क्या किया इन्होंने कोरोना काल में। अब जो लोग काम कर रहे हैं अभी ग्रुप ग में उनको भी कहते हैं रिटायर करेंगे तो आपको नौकरी वो आपका पद खत्म हो जाएगा। ग्रुप डी में सफाई मजदूर, जो सफाई मजदूर की बात करिए, दुनिया में कोरोना काल में सफाई मजदूरों को लोगों ने एक रेस्पेक्ट दिया, आदर दिया। देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने चरण धो करके पखारा और सर माथे उसको लगाए। और नीतीश कुमार जी या बीजेपी की सरकार यहाँ बैठ के कहती है कि उन्हीं सफाई मजदूरों को हम नौकरी नहीं देंगे, तो ये लड़ाई आर पार की है और फैसला इस बार होके रहेगा। नीतीश कुमार जी को जवाब देना होगा कि ऐसे क्लास के लोगों को आप क्यों नौकरी नहीं देना चाहते हैं जो सफाई में लगे हैं, सफाई अभियान चला रहे हैं, पूरे देश में स्वच्छता अभियान चल रहा है और बिहार के सफाई मजदूरों को नौकरी से वंचित कर रहे हैं। दैनिक मजदूर जो पूरा 35-40 हज़ार लोग काम कर रहे हैं, इसमें कितना दिन काम करेंगे, 10 बरस 15 बरस से काम कर रहे हैं लगातार, उनके नौकरी को नियमित करना है। नियमितीकरण की बात तय हो गई, पटना नगर निगम में नियमितीकरण प्रारंभ हो गया, उसके बाद सरकार ने अपना फैसला बदल दिया। आप जून में उन्होंने कई परिवर्तन कर दिए, नगर पालिका अधिनियम 2007 है उसमें संशोधन आपने किया, तो कोई ओपिनियन लिया, कोई हम लोगों से बात किया, किससे बात किया, बदलाव हो गया। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।